ओम हर्षु ब्रह्माय नमः। प्यारे दर्शकों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं बताऊंगा कलयुग की वह शक्ति, ऐसी पावर जिसके बलबूते पर एक नहीं हिंदुस्तान के 5 बड़े दरबार चल रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन सभी दरबार चलाने वालों को मेरा प्रणाम। ऐसी शक्ति जो किसी के भूत भविष्य वर्तमान तक बताने के साथ उसका तत्काल इलाज करने में भी सक्षम है। एक ऐसी शक्ति जो आपके परिवार को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाते हुए सर्वदा कल्याण ही कल्याण करती है, साथ ही आपके इष्ट पितरों को, कुल देवताओं को प्रसन्न रखकर उनको मोक्ष दिलाने की कृपा करती है। ये कोई साधारण शक्ति नहीं है और डरने की भी आवश्यकता नहीं। कई लोग आते हैं हमारे यहां, साधक लोग साधना सीखने, कहते हैं गुरुजी मैं काली साधना कर रहा हूं, गुरुजी मैं हनुमान साधना कर रहा हूं, इसमें कवच क्या लगाना, बंधन कैसे करना है। अरे भैया, काली जी से बंधन, हनुमान जी से बंधन, इनके लिए बंधन क्या है? कोई भूत प्रेत राक्षस थोड़ी ना है कि इनसे सेफ्टी करना, हिंसक थोड़ी ना है, मां है। हनुमान जी तो पिता स्वरूप है, सदा कल्याण करते हैं, सदा मदद करते हैं, भला वो कैसे अहित कर सकते हैं? अहित उन्हीं का होता है जिनके मन में, जिनके दिमाग में, जिनके मस्तिष्क पर विकार रहता है। तो दर्शकों, आज जो मैं बताने जा रहा हूं कोई बहुत बड़ा नियम नहीं है, वीडियो को बढ़ाइएगा नहीं, नहीं तो आप सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यानी आप कहीं ना कहीं मिस कर जाएंगे। पहले दर्शकों, यह साधना नहीं तंत्रोक्त क्रिया है। सबसे पहले आप किसी भी सोमवार को जाइए, नहा धो करके पीपल के एक वृक्ष पर खड़ाऊं लंगोट, 5 तरीके की अलग अलग मिठाई, 1 लाल फूल की माला, पूड़ी सब्जी, ये चढ़ाकर ब्रह्म देवता को निमंत्रण दें कि मैं कल से आपकी सेवा में हाजिर हो रहा हूँ, मेरा भोग स्वीकार करिएगा और अब मेरी क्षमता अनुसार आप मुझे दर्शन देकर मेरे अंग संग रहकर समस्त प्रकार के सर्वजन कल्याण के लिए आप मेरे साथ रहें। ये सुबह जाना है, 40 दिन आपको किसी के यहाँ का मृत भोजन, किसी प्रकार का निमंत्रण नहीं खाना, सात्विक विचारधार रखना है, भगवान विष्णु का हमेशा ध्यान करना है या मंत्र ओम विष्णुय नमः, इसका जाप करना अधिकतर। अब अगले दिन से, सूर्य उदय से पहले आपको उसी पीपल के पास पहुँचना है, 5 बतासे होते हैं जो शक्कर के, चीनी के बनते हैं, पहले शादी ब्याह में छोटे छोटे बतासे बांटे जाते थे, और गाय का दूध, भैंस का नहीं, पैकेट वाला नहीं, गाय का दूध और बताशे लेकर जाना है, पान के पत्ते के ऊपर बताशे को रखना है, उस पर ब्रह्म देवता के नाम से भोग देना है, ये लो ब्रह्म देवता आपका भोग दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करिए। भोग देने के बाद एक मीठा पान वहाँ चढ़ाकर, धूप बत्ती लगाकर प्रणाम करके चले आना है। ठीक ये 40 दिन की प्रक्रिया रहेगी, डेली जाइए करके चले आइए, कोई मंत्र वंत्र नहीं जाप करना, डेली जाइए करके चले आइए। 35वें दिन से 40वें दिन के भीतर आपको एक नई चीज दिखाई देगी, डरना नहीं है। आपको आवाज आना चालू हो जाएगी आपके साथ, कुछ लगेगा कि बगल मेरे कोई खड़ा है, कुछ लगेगा कि मुझे कोई बुला रहा है, कुछ लगेगा कि पेड़ की डाली पे कोई संत बैठे हुए हैं। जब भी ऐसा दृश्य हो तो मन ही मन प्रणाम करना, अंततः 40 दिन के बाद सम्मुख एक साधु स्वरूप, ध्यान रखना ये नहीं कि पिक्चरों के तरीके प्रकट होते हैं, लाइट हुई गड़गड़ गड़गड़ ब्राम से प्रकट हुए, बोल बेटा क्या चाहिए, ऐसा नहीं होता, इस चक्कर में रहोगे तो कुछ नहीं पाओगे। वो किसी ना किसी रूप में आपके पास आएंगे, ध्यान रखिएगा कि साधु संत के रूप में ही आएंगे, आपको लगेगा ये कोई राहगीर वाला है आके खड़ा हो गया यहाँ, वह नहीं, वो ब्रह्म शक्ति रहेगी, तुरंत उनके पाँव पकड़ना और बोलना हे ईश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, हे ब्रह्म देवता, हे करुणा निधान, आपकी कृपा मेरे ऊपर होनी चाहिए,
अब ये बताइए कि किस तरीके से हो, मैं आपको किस तरीके से पूजा दूँ, किस तरीके से आपके नियम को फॉलो करूँ, किस तरीके से मैं आपके वंदन करूँ, और आपको कैसे याद किया करूँ कि आप मेरे कार्य की तरफ निगाह कर दिया करें, आपकी एक निगाह करने से मेरे समस्त प्रकार के कार्य हो जाया करेंगे प्रभु। तब ब्रह्म देवता बताएंगे, आपको नियम बताएंगे, साथ ही कुछ चीज़ें सावधानी बताएंगे, उनको भी फॉलो करना, फिर उसके बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना, आगे बढ़ते रहेंगे। ब्रह्म देव की कृपा, ये बहुत तंत्रोक्त उपाय है जो बिना मंत्र, बगैर चौकी के, बगैर आसन के, बगैर कोई विशेष नियम से आप मात्र दूध बतासा से सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, साधना द्वारा इनकी कृपा प्राप्त कर लेंगे। 40 दिन मन को विकार में, किसी प्रकार के गंदे चित्र देखना, मोबाइल पे गंदी वीडियो देखना, या गंदे विचार आना, या किसी से शारीरिक संबंध बनाना, यह सब नहीं, लंगोट के पक्के रहना है, जबान के पक्के रहना है, नियत के पक्के रहना है, संस्कार के पक्के रहना है, विचार के पक्के रहना है, 100% आपको यह सिद्धि मिलेगी। इसको करिए, लाभ उठाइए। अगली वीडियो मेरी आ रही है, जो कि 2 दिन के लिए मैं बुला रहा हूँ, माता काली का, यानी कालका की एक ऐसी पावर, लगे हाथ उनको बताऊंगा, वो शक्ति बना के दे रहा हूँ कि जो लोग साधना नहीं कर सकते हैं वो यहाँ आएंगे, उनको कब आना, कैसे आना है। और ऐसे मैं 21 लोगों को ये पावर दूंगा, जिससे वो समस्त प्रकार का कल्याण लोगों का कर सकते हैं। अगली वीडियो 14 दिसंबर को ये पड़ेगी। एक और निवेदन, किसी प्रकार की समस्या हो, सुबह 9 से शाम को 5 बजे के बीच आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।